हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस। दोस्तों, मैंने सोशियोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हैं और आज के इस लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस। मेरे दोस्तों, एक्चुअली जो हमारी सोशियोलॉजी है, जो हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं, इसका रिलेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में बाकी सोशल साइंसेज के साथ। क्या रिलेशन है बाकी सोशल साइंसेज, मतलब जैसे साइकोलॉजी है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन सोशल साइंसेज का सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है? बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा जो कवर एरिया रहेगा वो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को लेकर ही रहेगा। मैं इसी का रिलेशन अच्छे से आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों, वी नो दैट सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, दीज बोथ आर सोशल साइंसेज। बाय दीज बोथ आर सोशल साइंसेज बिकॉज बोथ डील्स इन डायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे विद द सोसाइटी। बोथ डील्स विद द पर्सन, बोथ डील्स विद द ह्यूमन बींग्स। दोनों ही जो सोशल साइंसेज हैं वो सोसाइटी के साथ डील करती हैं, ह्यूमन बींग के साथ डील करती हैं, इसलिए दोनों साइंसेज को सोशल साइंसेज भी बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता है कहीं ना कहीं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी को पता है सोशियोलॉजी जो टर्म थी वो 1839 के अराउंड अगस्त कोम्टे ने जो थी वो क्वाइन करी थी। अगस्त कोम्टे ने 1830 के दौरान इसको क्वाइन किया था। और जो पॉलिटिकल साइंस टर्म है, ये तो बहुत ही पुरानी टर्म है, ग्रीक की काफ़ी पुराना इतिहास है पॉलिटिकल साइंस का। एरिस्टोटल को हम इसका फादर बोलते हैं, अरस्तु जी को हम इसका फादर बोलते हैं, अरस्तु एरिस्टोटल को। तो दोनों साइंसेस में एक तो नई साइंस है, एक पुरानी साइंस है, दोनों आपस में क्लोजली रिलेट भी हैं। ये अभी नई साइंस है सोशियोलॉजी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशियोलॉजी को मदर बोला जाता है सभी सोशल साइंसेस की। सोशियोलॉजी को हम लोग जनरली सभी सोशल साइंसेस की मदर बोल देते हैं, सोशल साइंसेस। सभी सोशल साइंसेस इसको जनरली मदर बोल दिया जाता है सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी की बात की जाती है एक तरफ, तो आप ध्यान से देखो सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। जर्नली मैं अगर बताऊं आपको, तो सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी। अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं, तो सोशियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं जर्नली स्टेट के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में। अगर आप दोनों चीज़ों को ध्यान से देखो, तो सोसाइटी और स्टेट और गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ें आपस में लिंक करती हैं, क्योंकि ये सभी कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से ही डील करती हैं। जो हमारा एक व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक हमारा जो इंसान है, उससे ही तो डील करती हैं दोनों। सोसाइटी क्यों बनाई जाती है? ह्यूमन बीइंग के जरिए बनाई जाती है, उनके लिए बनाई जाती है। लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी बन जाती है। जब वो सोसाइटी बन जाती है, लोग आपस में इंटरेक्ट करके सोसाइटी बन जाती है, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। उन लोगों के बीच में से बनती है और फिर वो उन लोगों को कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखो, दोनों आपस में लिंक करने वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लो या सोशियोलॉजी ले लो, दोनों का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप देखने को हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन आपको ये होप समझ आ गई होगी कि आप इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिख सकते हो, टॉपिक इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो उन सभी बातों के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का आपस में गहरा संबंध है। अब दोस्तों, इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो आता है मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वर्ड सोशियोलॉजी है वो ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। अगर मैं लैटिन वर्ड की बात करूं, तो सोशियोलॉजी लैटिन वर्ड सोसाइटस से लिया गया है और ग्रीक वर्ड लोगोस
से लिया गया है। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और सोसाइटीज का मतलब होता है सोसाइटी। अगर हम दोनों को जमा कर देते हैं, जब हम दोनों को प्लस कर देते हैं तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या बनता है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। मेरे दोस्तों, सोसाइटी की स्टडी करना, समाज का अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी कहलाता है समाज का अध्ययन करना। अब समाज सोसाइटी कोई छोटी टर्म नहीं है, सोसाइटी कोई छोटी टर्म नहीं है, सोसाइटी बहुत बड़ी टर्म है। आप देखोगे अगर सोसाइटी को ध्यान से, तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी आती हैं। हिंदू कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एससी एसटी कम्युनिटी, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। एक सोसाइटी के अंदर आपको इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैरिज, जैसे कि फैमिली, जैसे किनशिप, जैसे कि लॉज, एजुकेशन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस तो हैं सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। एक सोसाइटी में आपको बहुत सारे एसोसिएशन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़, क्लब, फ्लड रिलीफ एसोसिएशन, हमारा स्टेट, ये भी एसोसिएशन ही तो है। तो सोसाइटी एक छोटी टर्म देखने को लगती है, पर इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है, जिसका मतलब है कि ये कम्युनिटी की स्टडी करता है, एसोसिएशन की स्टडी करता है, इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है, मैरिज, हमारे लॉज, हमारे पावर, अथॉरिटी, क्राउड और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे सोशियोलॉजी के। ये तो हो गया सोशियोलॉजी का मीनिंग। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग की बात करूं, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग की बात करूं, तो मेरे दोस्तों अब आप पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग लिखोगे, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो किसकी स्टडी करती है, जो स्टडी करती है स्टेट की, गवर्नमेंट की एंड पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। बट इज पोलिटिकल साइंस इज दैट डिसप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज विच डू द स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड पोलिटिकल बिहेवियर ऑफ द मैन। पोलिटिकल साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशल साइंस की, एक ऐसी ब्रांच है जो बेसिकली स्टडी क्या करती है? पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की, पोलिटिकल पार्टीज की, स्टेट की, रूल्स की, ये स्टडी करती है हमारी पोलिटिकल साइंस। अगर मैं एटमोलॉजिकली बात करूं, तो ये वर्ड है पॉलिटिकल साइंस, ये पोलिस वर्ड था, ग्रीक, हमारा ग्रीक का वर्ड था पोलिस, उससे ये पॉलिटिकल वर्ड ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? सिटी एंड या फिर स्टेट। तो व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस कैन बी डिफाइंड एज दैट डिसप्लिन और दैट सब्जेक्ट विच डू द स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स लाइक स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द मैन, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल ड्यूटीज, आर राइट्स, स्टेट कंसेप्ट, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती हैं। तो मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग हमें पता चल गया, सोशियोलॉजी का मीनिंग हमें पता चल गया। अब आती है बात रिलेशनशिप की, किसकी बात आती है? रिलेशनशिप की, कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप क्या है, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप क्या है। तो अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पॉइंट्स में रिलेशन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा, साथ में सारे पॉइंट्स भी बताऊंगा आपको। हमारे एक स्कॉलर है जी ई जी, पूरा नाम तो इनका कहीं मिला नहीं हमें, लेकिन जी ई जी एक स्कॉलर है हमारे, सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है जी ई जी बोला जाता है। इन्होंने क्या बोला हुआ है? जी ई जी रिमार्क्स दैट पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम कॉइन।
तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि जी जी जो हमारे उन्हें रिमार्क्स किया है, उन्हें बताया है कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी बोथ आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम क्वाइन, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है, अगर पॉलिटिकल साइंस हेड है तो सोशियोलॉजी टेल है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू को हम अलग नहीं कर सकते, जहाँ पे हेड होगा वहाँ पे टेल साथ में रहेगा, वैसे जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस होगी वहाँ पे सोशियोलॉजी होगी ही होगी, और जहाँ सोशियोलॉजी होगी वहाँ पॉलिटिकल साइंस भी होगी ही होगी। आप देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो ये हमें बताता है कि स्टेट क्या होगा, यह हमें बताता है कि गवर्नमेंट क्या होगी, और बहुत सारी चीज़ें हमें ये बताता है। अगर मैं सोशियोलॉजी की बात कर देता हूँ तो सोशियोलॉजी हमें बताती है सोसाइटी क्या होगी, और जो सोसाइटी है उसी के अंडर तो स्टेट आता है, और जो सोसाइटी है उसी के लिए तो गवर्नमेंट बनाई जाती है। ऑन द वन साइड वी आर पोलिटिकल साइंस डू द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, सोशियोलॉजी डज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, and it is only society which for which we make the government so that government can regulate that particular society and society can become peaceful society। तो पहला पॉइंट हमें समझ आ गया कि सोशियोलॉजी और पोलिटिकल साइंस के बीच एक गहरा नाता पाया जाता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि पोलिटिकल साइंस जहाँ पे स्टडी करता है स्टेट और गवर्नमेंट की, सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी की, और ये सोसाइटी ही है जिसके अंडर हम गवर्नमेंट बनाते हैं। क्यों? सोसाइटी का अच्छा काम करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बनेगी तभी तो रूल्स बनेंगे, गवर्नमेंट बनेगी तभी तो सोसाइटी में लोगों को इक्वलिटी मिलेगी, गवर्नमेंट नहीं होगी तो लोग कौन बनाएगा, कौन लोगों को रेगुलेट करेगा, सोसाइटी के ऊपर तो कोई भी आक्रमण करके उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा, जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा किया था बिफोर 1947, जब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, तो क्या हुआ, हमारी सोसाइटी के ऊपर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर आउटसाइडर्स ने कब्जा कर लिया। तो सोसाइटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, दोनों आपस में लिंक हैं, सोशियोलॉजी प्लस पोलिटिकल साइंस। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो आप ये बोल सकते हो, वेयर सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी पॉलिटिकल साइंस is the study of government which are made or elected for the proper functioning of society। क्या बोला मैंने आपको दूसरे पॉइंट में, कि जहाँ पे सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी करती है वहीं पे पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट की स्टडी करती है, जो कि क्यों इलेक्ट की जाती है, बनाई जाती है गवर्नमेंट, ताकि सोसाइटी में प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, आपस में लिंक पैदा हो रहा है। सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट की स्टडी है, गवर्नमेंट क्यों बनाई जाती है, सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, दोनों आपस में साइंसेज इंटरलिंक्ड है, दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो सेम आ रहे हैं, दोनों के जो उद्देश्य हैं वो कहीं ना कहीं आपस में टच कर रहे हैं। दो पॉइंट्स, आई होप आपको समझ आए होंगे। तीसरा पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो सोशियोलॉजी है ये एक सोशल साइंस है, ये एक नेचुरल साइंस नहीं है। आप इसको मैथमेटिक्स ना समझें कि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना ही पड़ेगा, ऐसा ना समझे। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है सही है वो आप लिख सकते हो, और वो गलत भी नहीं होगा। बस शर्त ये है कि जो आप लिखो वो सही लिखो, रेलिवेंट लिखो, और
उसका कुछ लिंक बन रहा हो टॉपिक से, ये एक लिविंग साइंस है, सोसाइटी हो, सोशोलॉजी लिविंग साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी लिविंग साइंस है, हम सोसाइटी में अपने आसपास ये तो देखते हैं, सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हो, रेलिवेंट लिखना ये शर्त है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं दोनों की बात करूँ सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की, ये दोनों आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ द साइंसेस आर क्लोजली कनेक्टेड। अगर मैं बात करूं सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर्स की, दोनों का सब्जेक्ट मैटर आपस में क्लोजली कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ क्या स्टडी करती है। अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो वो स्टडी करती है सोसाइटी की, इंस्टीट्यूशन की, एसोसिएशन की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, डिफरेंट चीज़ों की बात करती है स्टडी सोशियोलॉजी। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, ये स्टडी करती है गवर्नमेंट की, लॉज की, रूल्स की, डिफरेंट चीज़ों की। तो आप देखो कि जो पॉलिटिकल साइंस स्टडी कर रही है और जो सोशियोलॉजी स्टडी कर रही है, दोनों सब्जेक्ट मैटर्स एक जैसे तो हैं। एक तरफ वो गवर्नमेंट की स्टडी कर रहा है, वो सोसाइटी की स्टडी कर रहा है। सोसाइटी किससे बनती है? लोगों से बनती है। गवर्नमेंट कौन बनाता है? लोग ही तो बनाते हैं। गवर्नमेंट कोई एलियंस तो नहीं बनाएंगे, हमारी सोसाइटी के लोग ही तो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा कि दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो आपस में लिंक करते हैं। मैं लिख देता हूँ, सोशियोलॉजी की बात करूँ मैं अगर, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे, कम्युनिटी के बारे में पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, एसोसिएशन के बारे में पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ोगे, आप सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, सोशलाइजेशन समाजीकरण, आप कल्चर के बारे में पढ़ोगे, और भी आप बहुत कुछ पढ़ोगे। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो इसमें आप स्टेट के बारे में पढ़ोगे, आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे। गवर्नमेंट किससे बनती है? पीपल से बनती है, ह्यूमन बीइंग से बनती है। स्टेट कैसे बनता है? स्टेट चार चीज़ों से मिलकर बनता है। चार चीज़ें क्या हैं वो? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। टेरिटरी क्या है? एक टेरिटरी है और सोसाइटी बनाने के लिए टेरिटरी चाहिए। तो दोनों के सब्जेक्ट मैटर्स कहीं ना कहीं आपस में लार्जली आपस में लिंक करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी इनका आपस में लिंक है। तो हमारे पास तीन पॉइंट हो गए, आई होप आपको समझ आ गए होंगे रिलेशनशिप के। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्टेट एंड सोशल ग्रुप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। स्टेट एंड सोशल ग्रुप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगला पॉइंट है कि स्टेट और जो सोशल ग्रुप्स हैं, स्टेट जो पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है और सोशल ग्रुप्स जो हमारी सोशियोलॉजी की स्टडी है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे सेपरेट करोगे आप बताओ? कैसे? हाउ दे विल बी सेपरेटेड? दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इफ देयर इज स्टेट देन ओनली सोशल ग्रुप्स विल बी कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर दिस स्टेट। जो सोशल ग्रुप्स बनते हैं, सोशल ग्रुप्स का मतलब क्या है? लोगों का ग्रुप, जैसे फैमिली होगी, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, क्लब हो गए, एसोसिएशन हो गए, लोगों का समूह, वो होता है सोशल ग्रुप। तो वो सोशल ग्रुप कहाँ बनता है? स्टेट में ही तो बनता है। स्टेट जो है हमारा, पूरा इंडिया हमारा स्टेट है, कंट्री है हमारा, हिमाचल प्रदेश हमारा स्टेट है।
तो इस स्टेट के अंडर ही तो ये ग्रुप बने हुए हैं, तो क्या आप इन ग्रुप से स्टेट को सेपरेट कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते, स्टेट है तो उसके अंडर तो ग्रुप है। तो आई होप आपको ये फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट जो भी है वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद आप ये लिख सकते हो, इसके बाद आप ये लिख सकते हो कि बोथ पॉलिटिकल साइंसेस, बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी डील विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बोथ आर इंटरलिंक्ड, बिकॉज बोथ फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग, बोथ फोकस ऑन ह्यूमन बीइंग। मैं पहले बोला, देखो आप सोच रहे होंगे बार बार वैसी ही बातें आ रही हैं, आएंगी क्वेश्चन में, आपने पेपर में क्वेश्चन लिखना है, लंबा लिखना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी तब अच्छे से शीट भरेगी। अदरवाइज रिलेशनशिप की बात आती है तो एक या दो पॉइंट्स में तो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छे से लिखना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी मिले। तो मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी बातें हैं आप इनको हेडिंग्स ही बनाकर बीच में एक्सप्लेन अच्छे से करें, रिपीट हो रही है लेट इट बी, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अच्छे से लिखना है। तो इसके बाद आप एक और पॉइंट और लिख सकते हो कि जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, लाइक मैरिज, फैमिली, लाइक किनशिप, लाइक एजुकेशन एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर रेगुलेटेड बाय द लॉ विच इज इनेक्टेड which is enacted by the government which is a study of political science, which is the study of political science। क्या बोला मैंने कि भाई सोशियोलॉजी क्या स्टडी करता है, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है, जैसे कि मैरिज, फैमिली, किनशिप, एजुकेशन, और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रेगुलेट करने के लिए लॉज बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट किसकी स्टडी है, पॉलिटिकल साइंस की स्टडी है। व्हाट डज इट मीन, दिस बोथ साइंसेस आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, वी कैन नॉट सेपरेट वन साइंस फ्रॉम अदर साइंस, एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोथ साइंसेस आर इंटरलिंक्ड, एज द स्कोप ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, बोथ आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, बोथ साइंसेज आर कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन जाता है हमारे सामने रिलेशनशिप को लेकर। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, देखो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनी एसोसिएशन। सोशियोलॉजी जो है वो बहुत सारे एसोसिएशन की स्टडी है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैनी एसोसिएशन लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब। सोशियोलॉजी जो वो स्टडी करते हैं बहुत से एसोसिएशन को, जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, जैसे आपका स्टेट हो गया, जैसे आपका क्लब हो गए, फैमिली होगी, बहुत सारे एसोसिएशन की स्टडी करती है हमारी सोशियोलॉजी। और इन एसोसिएशन की स्टडी पॉलिटिकल साइंस भी करती है, पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो स्टडीड इन द पॉलिटिकल साइंस, स्टेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इनमें से कुछ एसोसिएशन की स्टडी पॉलिटिकल साइंस भी करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों साइंसेज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्लोजली कनेक्ट करती हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या क्या है।
देखो एग्जाम में आपको रिलेशनशिप पूछा होगा, पर आपने डिफरेंसेस के दो तीन पॉइंट लिखकर जरूर आने हैं। रिलेशनशिप तब तक अधूरा है जब तक आपको डिफरेंस का पता ना चले। ये तो आपको रिलेशनशिप का पता चल गया, क्या क्या रिलेशनशिप है दोनों में, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, दोनों चीज़ें क्या क्या एक दूसरे का कैसे लिंक करती हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप क्या, अब हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस क्या होते हैं पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी में। व्हाट आर द डिफरेंसेस, अब हमें डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी के बीच। तो दोस्तों अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो एक तरफ मैं पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेता हूं और एक तरफ मैं सोशोलॉजी की बात कर लेता हूं। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं स्टूडेंट्स डिफरेंस में, तो भाई ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक ऐसी सोशल साइंस है जो स्टडी करती है स्टेट की एंड गवर्नमेंट की ओनली। ये स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर मेनली फोकस करती है, मेनली स्टेट और गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करती है। पर मैं सोशोलॉजी की बात करूं तो सोशोलॉजी स्टडी सोसाइटी करती है जिसमें स्टेट भी आ जाता है, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, एसोसिएशन भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं, कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ, पहले पॉइंट में तो आप यही लिख दोगे जो मैंने लिखवाया आपको कि ये स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है, ये स्टडी ऑफ सोसाइटी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन स्टेट गवर्नमेंट सभी की स्टडी है, एक तो आप ये लिख दोगे। दूसरे में आप ये लिख सकते हो जो पॉलिटिकल साइंस है इट्स स्कोप इज़ वेरी नैरो, स्कोप इज वेरी नैरो, बहुत नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है, क्योंकि ये स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी ही तो कर रही है, बाकी तो किसी चीज़ की स्टडी कर नहीं रही। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो स्कोप है वो बहुत वाइडर है। क्यों क्यों वाइडर है, क्योंकि ये सोसाइटी की स्टडी करता है, ये कम्युनिटी की स्टडी करता है सोशोलॉजी हमारा, ये एसोसिएशन की स्टडी करता है, ये इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है, ये मैरिज की स्टडी करता है, ये कल्चर की स्टडी करता है, ये नॉर्म्स की स्टडी करता है, ये हमारे सोशलाइजेशन की स्टडी करता है, सोशल कंट्रोल की स्टडी करता है, लॉज की स्टडी करता है, पावर की स्टडी करता है, अथॉरिटीज़ की स्टडी करता है। तो इसकी स्कोप हम ज़्यादा वाइडर है। अगर मैं तीसरे डिफरेंस की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस है ये बेसिकली स्टडी करती है ऑर्गेनाइज सोसाइटी की, ये बेसिकली स्टडी करती है ऑर्गेनाइज सोसाइटी की। ऑर्गेनाइज सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जिसके रूल्स होंगे रेगुलेशन होंगे, तो ये ऑर्गेनाइज सोसाइटी बोल लो आप, या एक और टर्म है आप कम्युनिटीज बोल लो, कुछ मर्जी बोल लो आप, कि ये ऑर्गेनाइज सोसाइटी या कम्युनिटी की स्टडी करता है। अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूँ तो ये ऑर्गेनाइज की स्टडी तो करता ही करता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की भी स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट को पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड जो एसोसिएशन है, प्रॉपर रूल्स होते हैं, कंट्री हमारा इंडिया उसका प्रॉपर नाम है, उसका नाम कानून में दिया गया है, प्रॉपर रूल्स ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा कंट्री बनी है इंडिया, इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स की इतने इतने ज़िले हैं, प्रॉपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है केवल ऑर्गेनाइज्ड ही कम्युनिटीज़ की। अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूं तो ये ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की बात तो करेगा स्टडी करेगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी की स्टडी भी करता है। कुछ लोग आपस में इकट्ठे हो गए, वो भीड़ है, वो क्राउड है, वो क्या है क्राउड, और क्राउड की स्टडी भी कौन करता है, सोशोलॉजी करता है, क्राउड की स्टडी भी सोशोलॉजी करता है। मतलब ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों की स्टडी करता है, एक ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। तीसरा चौथा डिफरेंस आप ये लिख सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस ओल्ड साइंस है, वो तो बहुत ओल्ड साइंस है, ग्रीक वर्ड पोलिस से लिया गया है, अबाउट BC के अराउंड ये टर्म आया था, बहुत पुराना है। अगर मैं सोशोलॉजी की बात करूं कि ये अभी रिसेंट ओरिजिन है, अभी हमारे अगस्त कॉम्टे ने 1839 के अराउंड में 1830 भी लिखा है काफ़ी बुक्स में, नेट में 1839 भी लिखा है 1830 भी लिखा हुआ है, तो 1830 1839 जो भी आपको ठीक लगे, आई थिंक 1830 या 1839 यही ज़्यादा ज़्यादा लिखा हुआ है 1839, वैसे बुक्स में 1830 भी लिखा हुआ है। तो
अभी रिसेंटली रिसेंटली इस टर्म को क्वाइन किया था अगस्त कॉम्प्टे, तब के बाद ये डिसिप्लिन उभरता जा रहा है, एक एमर्जिंग साइंस बनकर सामने आ रही है। पर ये लेटेस्ट ओरिजिन है, नया ओरिजिन है और ये काफ़ी पुराना ओरिजिन है। तो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको रिलेशनशिप बिटवीन द सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस समझ आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगले जो रिलेशनशिप हैं, जैसे हमारे हिस्ट्री के साथ, साइकोलॉजी के साथ, वो भी आपको बताऊं। अगर मुझे टाइम लगे तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, धन्यवाद।